नमो नारायण जी। नारायण भविष्यवाणी में, नारायण एस्ट्रो फ्रेंड, नारायण नारायण में, नारायण एस्ट्रो इंडिया चैनल में और तमाम हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज वक्री से मार्गी होने वाले शनि देव के ऊपर, जो कि 18 सितंबर 2019 से ढाई वर्ष तक दोस्तों ये यहाँ फल देने वाले हैं। किन तीन राशियों में लाभ देंगे, नुकसान देंगे और किन नौ राशियों में लाभ देंगे, आज आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों वो तीन राशियाँ जिनको ये ढाई वर्ष तक नेगेटिव फल देने जा रहे हैं और वो नौ राशियाँ जिसमें से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल देने वाले हैं, इसका दोस्तों आपने थोड़ा उपचार भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहली बात मैं बात करूंगा मेष राशि वालों की। शनि देव जो हैं दोस्तों इतने समय से वक्री चले आ रहे थे और वक्री ग्रह जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत नेगेटिव रोल प्ले करते हैं और कभी कभी तो बड़ी हानि भी देते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने बैक साइड चलना है, आपने आगे देखना, पीछे की तरफ चलना है, तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे दुर्घटना होने के। इसी प्रकार से मार्गी यानी कि सीधे चलना, दोस्तों जब आप सीधे सीधे चलते हैं, स्टेप टू स्टेप चलते हैं, तो आप देख के चलते हैं कहाँ पे खड़े होने हैं, कहाँ बैठने हैं, कहाँ रुकने हैं, क्या करना है। इसी प्रकार से दोस्तों जो वक्री और मार्गी ग्रहों का बहुत ज़बरदस्त फल अलग अलग रहता है। शनिदेव सारस्वती के रूप में धनु राशि में चल रहे हैं नौवें भाव के अंदर, यानी कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को नौवें भाव से अब 18 सितंबर 2019 से लेकर के अगले ढाई वर्ष तक जो है मेष राशि वाले व्यक्तियों को शनिदेव नौवें से दसवें की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके नौवें भाव से दसवें की तरफ जब ये अभी मार्गी होंगे तो आपकी बिजनेस बढ़ेगी, आपको जॉब मिलेगी, आपका कैरियर वाइज फादर से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये मेष राशि वालों को बहुत 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 अच्छा है, कैरियर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शुभ फलदायक रहेगा, गुड न्यूज़ मिलेंगी। और शनिदेव दोस्तों बहुत कृपालु हैं, लेकिन शनिदेव की अगर आप दूसरे ढंग से देखेंगे, शनिदेव के जो डिपार्टमेंट हैं, शनिदेव के डिपार्टमेंट है छठे आठवें बारहवें, रोग ऋण शत्रु आयु मृत्यु कष्ट चोरी डर भय चिंता, बारहवां घर कोर्ट कचहरी नेगेटिव एनर्जी। तो शनिदेव दोस्तों कहीं ना कहीं पापी ग्रह के रूप में माने जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं शनिदेव तो मित्र हैं। हाँ, किसी की कुंडली में मित्र या शत्रु पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, लेकिन शनिदेव का जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो दोस्तों छठे आठवें बारहवें का वो जुडिशल है, वो जज देते हैं, वो दया नहीं करते उस समय जब आपने गलती की हुई हो। तो दोस्तों शनिदेव की बात चल रही है, शनिदेव 18 सितंबर से जब ये मार्गी होंगे, वक्री से जब मार्गी होंगे तो किस राशि को क्या फल देंगे। बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को दोस्तों शनिदेव शुक्र जिसका स्वामी है, जो कि वृख राशि है, वृख का स्वामी शुक्र, और शुक्र के वैसे तो शनिदेव मित्र हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है वृख राशि को बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि आठवें भाव से नौवें भाव की तरफ जाएंगे। जैसे ही आठवें से नौवें की तरफ जाएंगे, यानी कि आपकी विदेश यात्रा, भाग्य, भक्ति, ईश्वर में आस्था, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं। नौवां भाव आपका यात्रा का भी है, कहीं ना कहीं संबंध रखता है आपको विदेश के अंदर भेजने का भी, और धार्मिक यात्राएं भी, कोई वर्ल्ड टूर की प्लानिंग चल रही हो, उन सब चीज़ में वृख राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी कि भाग्य वृद्धि होने वाली है। वृख राशि वालों का जो भाग्य सोया हुआ था उसके जागने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगली राशि दोस्तों बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि को कुंडली में सातवें से आठवें भाव की तरफ जाएंगे। अब ध्यान समझने वाली बात है, मिथुन राशि वाले को जब मार्ग भाव यानी कि सप्तम भाव से जब अष्टम में जाएंगे, तो अष्टम भाव का फल कहीं ना कहीं इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, चोरी होने का भय, इल्जाम एलिगेशन लगने की परेशानियां, मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। दोस्तों ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों का अच्छा प्रभाव हो, डिपेंड ऑन योर कुंडली, आपका हॉरोस्कोप के हिसाब से सिचुएशन कभी कभी भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सेंट्रलाइज देखेंगे, एक सिस्टमाइज देखेंगे तो सभी को ज़्यादातर स्टैंडर्ड राशियों में ऐसा फल देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों को वाहन चलाते समय बड़ी ध्यान रखने की वाली बात है, बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि को
छठे भाव से सप्तम की तरफ जाएंगे, यानी कि छठे से सातवां मतलब आपका छठा भाव भी रोग ऋण शत्रु का है और सप्तम भी मारक स्थान है। तो कहीं ना कहीं जो कर्क राशि वाले हैं इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मानसिक पीड़ा, कर्ज की संभावना, बैंक लोन में परेशानियां, स्ट्रेस, अनायास परेशानियां, अचानक से कोई न कोई परेशानी खड़ी हो जाना इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों सिंह राशि वालों को पंचम भाव से छठे भाव की तरफ जाएंगे और छठा भाव वही रोग ऋण शत्रु का, तो पंचम संतान की तरफ से चिंता हो सकती है, थोड़ा सा पंचम से छठे की तरफ जा रहे हैं तो संतान को लेकर के चिंता या कहीं ना कहीं को रोग या ऋण या बैंक लोन की परेशानियां या फिर कोई पैसा अचानक से डूब जाना, जिस आदमी पे भरोसा किया वहां से पैसा ना मिलना, या फिर कोई आपका कोई बैंक से संबंधित कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मेजर परेशानी का सामना करना पड़ना, या फिर कहीं ना कहीं मान सम्मान की परेशानियां। तो रोग कोई ना कोई पुरानी बीमारी उठ सकती है, पुराना रोग उठ सकता है, तो थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि वालों को, कन्या को चौथे भाव से पंचम की तरफ यहाँ गुड न्यूज है, क्योंकि फोर्थ से लग्जरी से पंचम संतान, बुद्धि, विद्या, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, तो कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं ये डॉक्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं एजुकेशन की, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईलेट्स कर रहे हैं, फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आपने कोई और कंपटीशन की तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होने वाली है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा हाँ, आपका कोई प्रेम प्यार चल रहा था वो आपका सक्सेस होने वाला है यहाँ पे, या प्रेम प्यार में भी शनिदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में फोर्थ टू फिफ्थ जा रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस क्या है, लव का है, इफेक्शन प्रेम प्यार का है, अट्रैक्शन का है, संतान का है, सब बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाएंगे ईश्वर कृपा से, कोई संतान में अड़चन आ रही है, पैदा होने में आ रही है, गर्भधारण में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आपकी कोई कुछ भी मतलब बुद्धि संबंधी कुछ भी कार्य रुका हुआ है, सब ठीक हो जाएगा ईश्वर कृपा से, बाकी प्रभु नारायण इच्छा। बात करूंगा यहां पर तुला राशि वालों को तीसरे भाव में शनि और चौथे भाव की तरफ जाएंगे, तो जब चौथे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए गुड न्यूज क्या है, आपकी कोई घर बन सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, घर बनाना चाह रहे हैं, लग्जरी हाउस बन जाएगा, और क्या रहेगा आपका, कोई छोटी मोटी यात्राएं को पेंडिंग पड़े हैं वर्क आपके, वो सिरे चढ़ने लग जाएंगे, फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग है वो भी काफ़ी हद तक सक्सेस लग जाएगी, कोई पीआर लेना चाह रहे हैं कोई तुला राशि वाले तो पीआर मिल जाएगी, फॉरेन सेटलमेंट की बात आती है तो वो भी ठीक है, फिर कोई लॉटरी या अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि तुला राशि वालों को तीसरे से फोर्थ में जा रहे हैं, तो फोर्थ हाउस यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मनी है, माता से रिलेशन खराब चल रहे थे वो भी ठीक होने के चांसेस हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर शनिदेव की ठीक की तरफ जा रही है, सुख बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, लग्जरियस बढ़ेगी। चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि को दूसरे से तीसरे भाव में, वृश्चिक राशि वालों को सेकंड से थर्ड हाउस में आएंगे तो शनिदेव वैसे भी तीसरे, ग्यारहवें, बारहवें भाव में लाभ देते हैं, तो आप ध्यान से समझने वाली बात है, वृश्चिक राशि वालों को दोस्तों जब सेकंड से थर्ड में आएंगे तो यहाँ पार्टनरशिप के रिलेशन बनेंगे, कोई नया ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, नया कोलेब्रेशन हो सकता है, नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा कोई पुराने पार्टनर जो रूठ गए थे वो मान जाएंगे, भाई बहनों से रिलेशन खराब थे वृश्चिक राशि वालों को वो भी ठीक होने की संभावनाएँ बनेंगी, संबंध अच्छे जुड़ेंगे, क्रोध से थोड़ा बच के रहिएगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए खास हिदायत है क्रोध पे काबू रखना शुरू कर दो, नहीं तो बर्बादी भी बहुत करवाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के लाभदायक हैं यहाँ पर वक्री से मार्गी होने वाले शनिदेव, जो कि 18 सितंबर को होने जा रहे हैं ईश्वर कृपा से, और 18 सितंबर 2019 से ढाई वर्ष तक चलने वाले हैं। दोस्तों बात करूंगा धनु राशि वालों की, क्या बात है, धनु राशि में तो बेचारे पहले भी शनिदेव बैठे हैं सारसती के रूप में, तो शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उसमें लाभ देते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, लेकिन शनिदेव की क्या है, दृष्टि अच्छी नहीं होती, शनिदेव की दृष्टि नॉट गुड,
तो यहाँ पर शनि देव की एक अच्छी बात बता दूं कि जब धनु राशि में जब ये अब मार्गी हो जाएंगे, तो वक्री से जब धनु में मार्गी होंगे तो यहाँ पर साढ़ सती उतरनी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी चिंताएं कम होनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 लेवल आपका ब्रेन का ठीक होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, 100 से 90, 90 से 85, 85 से 80, 80 से 70, 70 से 65, ऐसे करके धीरे 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 डाउन आ जाएंगे और शनिदेव यहाँ से अगली राशि में प्रस्थान करने की तैयारी करेंगे। दोनों के बाद जाते हैं मकर राशि में, ढाई साल बाद तकरीबन, तो यहाँ पर ये जो शनिदेव जो मार्गी रहेंगे ढाई वर्ष तक रहने वाले, और ईश्वर कृपा से शनिदेव का सभी राशियों में ज़्यादातर अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर धनु राशि को कुल मिला के लाभ देंगे, धन का लाभ देंगे, क्योंकि लगन से धन भाव में जाएंगे। हाँ, अगर आपको लोन लेना चाहते हैं, बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं ईश्वर कृपा से सोच समझ के। दूसरी बात, धन भाव में जाएंगे तो यहाँ पर आपका कोई डूबा हुआ पैसा है उसके लिए कोशिश करनी शुरू कर दो, तो वो भी आपका रुपया भी जल्दी वापस रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद नारायण जी, मैं बात कर रहा हूँ मकर राशि वालों को, मकर राशि वालों को 12वें भाव से लगन की तरफ है। अब मकर को 12वें से जब लगन की तरफ शनिदेव आएंगे तो क्या फल देंगे, धनु राशि में वक्री से मार्गी होने का जो फल रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, और आपको यहाँ पर जान के हैरानी होगी, ईश्वर कृपा से परिवार में गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई हैप्पीनेस के काम, खुशी के काम, ब्याह शादी, बच्चों के काम, परिवार के काम, आपका जो जोश हिम्मत थी जो वो ठीक हो जाएगी, जो शारीरिक तौर पे जो कमजोरी फील कर रहे थे, जो नर्वस सिस्टम डाउन हो रखा था, और जिन जिन लोगों की राशि में शनिदेव अच्छे हैं ना, मैं आपको एक गुड न्यूज़ और बता दूं, जिनके जिनके शनिदेव यहाँ पर नर्वस सिस्टम डाउन में हैं, जिसकी भी बॉडी में नर्वस सिस्टम डाउन है, जिनको शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं, उन सबका नर्वस सिस्टम ठीक होने की तरफ जाएगा। थोड़ी मोटी दवाई लेंगे वो लग जाएगी, योगा मेडिटेशन करेंगे उससे लाभ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपकी फेवर में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनके लगन में है, लाभ देंगे शनिदेव। इसके बाद बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों के, कुंभ राशि से देखो 11वें से 12वें में जाएंगे, 12वां अगर वही खर्चा कर्जा, तो यहाँ पर एक तरफ 11वां घर है बैंकिंग सेक्टर का फाइनेंस, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे 12वें में, कोई गलत डिसीजन हो सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। शनिदेव ना वैसे जब 12वें में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर एक विमल योग बनता है, विमल योग यानी कंजूस बन जाता है इंसान, कंजूस का यानी ये भी मतलब है कि इंसान सोच सोच के पैसा खर्च करता है। कुंभ राशि वालों को यहाँ कंजूसी जरूरी भी हो जाएगी, जो आप शेर बन जाते हो ना कभी कभी कि ठीक है उड़ा दो पैसे की कोई परवाह नहीं, अब ये विमल योग सिखाएगा कि कैसे पैसे की वैल्यू करनी है, कैसे पैसे को संभालना है, कैसे पैसे की धन की इज्जत करनी है, कैसे पैसे की रिस्पेक्ट करनी है। इसलिए तैयारी कर लो, कमर कस लो कुंभ राशि वालों स्पेशली, कि आपको अपने खर्चे और अपनी सोच समझ बुद्धि को जागृत रखना है, नहीं तो 12वां घर है कोर्ट कचहरी खर्चों पे उन पे भी लगवाएगा और मानसिक परेशानियां भी थोड़ी देने वाला है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मिक्स फल देगा। विमल योग होने से फायदा भी है, लेकिन 12 घर का फल तो आप समझते हो, जेल यात्रा, रोग, कष्ट, बीमारी, चिंता, विदेश है ना, ट्रैवलिंग, अनएक्सपेक्टेड फालतू के ट्रैवलिंग खर्चे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अंत में दोस्तों बात करेंगे मीन राशि वालों को, मीन राशि वालों को सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 10वें से 11वें घर में शनि के जाएंगे, 10वें से जब 11वें में जाएंगे तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कोई बड़ा लोन पास कराना चाहते हैं, इंडस्ट्री के लिए लोन लेना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए बेस्ट है ये। मीन राशि वालों के जो माता से, परिवार से, पिता से जो संबंध खराब हो रहे थे वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के मीन राशि को ओवरऑल अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों शनिदेव का ये था 12 राशियों का फल, जो 3 राशियों के लिए तकरीबन परेशानी वाला और 9 राशियों के लिए बहुत बहुत अच्छा फल देने वाला है। वक्री से मार्गी शनिदेव 18 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में लाभ देंगे। दोस्तों हो सके तो 18 सितंबर को शनिदेव जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ के उनके चरणों में निवेदन करनी है, आई कॉन्टैक्ट शनिदेव जी के साथ कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी शनि मंदिर में सामने जाके खड़े नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में ही खड़े होना चाहिए। दोस्तों
शनि देव जी की आराधना करके आएं 18 सितंबर को या 19 को या 18 के पश्चात जो भी शनिवार आए उस दिन आप करके आएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी कृपा बनी रहेगी। मजदूर को मीठा भोजन करवाना है, सभी राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं मन की शांति के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए। दोस्तों, यदि आप भी नारायण जी से मिलना चाहते हैं या आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जो टीवी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं इस पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, जो फीस प्रोसीजर है उसे फॉलो कीजिए, तत्पश्चात आपको समय दिया जाएगा, समय लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हो। वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप बैठे हो, कहीं से भी बैठ के आप वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक विशेष विषय, और अगला एक एपिसोड नए किसी खास विषय के लिए और किसी विशेष रत्न के लिए लेके आ रहा हूँ, जल्दी आप देखिएगा। और आप हमारे नारायण एस्ट्रो इंडिया चैनल को दोस्तों ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, या एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण के नाम से भी आप हमें, या नारायण भविष्यवाणी भी डालेंगे तो आप हमारा जो चैनल है वो आएगा और आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नए नए एपिसोड भी आपको रोज़ रोज़ मिल सकें। तो दोस्तों, आपको ये अगर कैसा लगा एपिसोड, एक छोटी सी कोशिश करना हमारा काम है, बाकी तो फल तो ईश्वर ने देना है। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं। नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।